दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल ये जो है थर्ड पार्ट है अलेक्जेंडर पोप की फेमस पोएम एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बिट नॉट इसके पहले के जो दोनों पार्ट है अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए उसके बिना आपको कोई समझ में नहीं आएगा तो जो थर्ड पार्ट है ये लाइन वन से मैं शुरू कर रही हूँ डिट सम मोर सोबर क्रिटिक कम अब्रॉड इफ रॉन्ग आई स्माइल्ड इफ़ राइट आईड किस द रॉड अब वो कह रहे हैं पोप यहाँ पे कि इन लोगों से कोई बेहतर क्रिटिक अगर यहाँ पे आता और मुझे गलत साबित कर देता तो मैं स्माइल ही करता क्योंकि मुझे क्रिटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो सही चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पेंस रीडिंग स्टडी आर देयर जस्ट प्रिटेंस एंड ऑल दे इज स्पिरिट टेस्ट एंड सेंस और ये जो वो कह रहा है कि जो क्रिटिक्स हैं ये लोग दिखावा करते हैं किस चीज़ का पेन का दर्द का रीडिंग का स्टडी का ये सब सिर्फ दिखावा करते हैं और सच में जो होने चाहिए वो उन्हें क्या चाहिए टेस्ट सेंस और स्पिरिट होने चाहिए कॉमास एंड पॉइंट्स दे सेट एग्जैक्टली राइट एंड इट वर अम टू रॉप दैम ऑफ देयर माइड अब वो कह रहे हैं कि इन लोग को सिर्फ कॉमास और पॉइंट्स ही सही सही लगाना आता है इसके अलावा उन लोगों से कुछ और काम हो नहीं सकता येट नेवर वन स्प्रिंग ऑफ लॉरल ग्रेस्ड दीज रिबल्स फ्रॉम स्लैशिंग बी ले डाउन टू पाइडिंग टी अब असल में जो है इसके अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात की जाए तो जो स्लैशिंग बी यानी कि वो बेंटली की बात करें रिचर्ड बेंटली की जो कि एक स्कॉलर थे और ये पोप के काफ़ी बड़े एनिमी थे उनका बिल्कुल भी जमता नहीं था और यहाँ जो टी की बात कर रहे हैं ये टिबल्ट की बात चल रही है लिविस थियोबॉल्ट जिसने कि पोप के ऊपर काफ़ी बड़ा अटैक किया था जब अपने पोप ने अपनी बुक निकाली थी शेक्सपियर री जो कि शेक्सपियर के बारे में थी तो ये जो लुइस थीबॉल्ट था इसने उनके ऊपर अटैक किया था तो पोप ने जब अपनी बुक निकाली डन से तो उसमें उस पोप को इन दोनों लोगों से काफ़ी प्रॉब्लम थी तो इन दोनों को काफ़ी अच्छे से उनका बोलते ना कचरा किया है अपनी इस बुक में तो इन दोनों को काफ़ी उन्होंने अच्छे से उनके उतारे हैं तो हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे ईच वाइट हु रीड्स नॉट बट स्कैंस एंड स्पेल्स ईच वर्ड कैचर एंड दैट लिव्स ऑन सिलेबल अब ये जो है वाइट uh, भी एक इंसान की बात चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा दिखावे में है तो वो कह रहा है कि ये हर वो वाइट जो कि रीड नहीं कर सकता लेकिन जो स्कैन करता है और वो जो है एक एक वर्ड एक, एक के पीछे जो पढ़ा रहता है ना कि इसका ये मतलब उसका वो मतलब वैसा सच पीस मील क्रिटिक्स सम रिगार्ड मे क्लेम प्रिजर्व इन मिल्टन और इन शेक्सपियर्स नेम अब ये जो ऐसे झूठे क्रिटिक्स हैं ये लोग क्या है कि सिर्फ ना मिल्टन और शेक्सपियर की बातें करते रहते हैं प्रिटी इन amber टू observe द फॉर्म्स ऑफ हेयर्स और straws और dirt और grubs और वॉम्स अब वो कह रहा है कि ये जो ऐसे लोग हैं ये सिर्फ ऐसी चीज़ों में मिलेंगे जैसे कि बालों में किसी स्ट्रॉ में गंदगी में कीड़े मकोड़ों में ऐसे लोगों से उनका वो कंपेरिजन कर रहा है द थिंग्स वी नो आर नीदर रिच नॉ रेयर बट वंडर हाउ द डेविल द गॉड देयर वो कह रहे हैं कि ये लोग जो काम करते हैं जो जूटे क्रिटिक्स है जूटे जो पोयट्स है इन लोगों मतलब ये लोग कोई बहुत अमीर है कुछ रेयर नहीं है कुछ खास नहीं है इन लोगों में लेकिन मैं ये अभी भी, भी सोच रहा हूँ कि ये लोग उस लेवल पे पहुँचे कैसे कि ये अपने आप को क्रिटिक्स कहते हैं ये लोग उस लेवल तक पहुँचे कैसे वर अदर्स एंग्री आई एक्सक्यूज देम टू वेल माइट द रिच आई गेव देम बट दे आर ड्यू वो कह रहा है कि जो दूसरे गुस्सा थे मुझे उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें चाहे कितना भी गुस्सा रहा हो लेकिन मैं उन्हें उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो मैं दूंगा अ मैं ट्रू मेरिट इट्स नॉट हार्ड टू फाइंड बट ईच मैन सीक्रेट स्टैंडर्ड इन इज माइंड कर कि हर इंसान का कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई होती है जो कि ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है ठीक है द कास्टिंग वेट प्राइड एड्स टू एम्प्टीनेस दिस हु कैन ग्रैटिफाई फॉर हु कैन गेस अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इन लोगों को जो घमंड है वो है इनके खालीपन को और ज़्यादा भरता जाता है और इसीलिए जो है इन लोगों को ग्रेटिफिकेशन यानी हम जो थैंकफुलनेस वाली फीलिंग होती है ये इन लोगों में है ही नहीं द बार्ड हुम पिल्फर्ड पास्टोरल्स रिनोन हु टर्न्स अ परशियन टेल फॉर हाफ अ क्राउंड अब यहाँ पे जो है वो एक राइटर की बात कर रहे हैं जो कि जिसने एक पर्शियन टेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और यूजुअली जो है इसका जो ट्रांसलेशन uh, का जो कॉस्ट लगता है वो उसको कंपेयर कर रहा है एक प्रोस्टिट्यूट से तो जो प्रोस्टिट्यूट उस वक्त पे हुआ करती थी वो हाफ अ क्राउन चार्ज किया करती थी तो ये जो आदमी है जो जो राइटर है जिसने ये पर्शियन टेल लिखी थी या ट्रांसलेट की थी उसने भी हाफ अ क्राउंड ही चार्ज किया यानी वो उसको एक प्रोस्टिट्यूट से कम्पेयर कर रहा है जस्ट राइट्स टू मेक हिज barrenness अपीयर एंड स्ट्रेन from हार्ड बाउंड ब्रेंस एट लाइन्स अ ईयर वो कह रहा कि ये लोग सिर्फ इसीलिए लिखते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये लोग बन जा रहे हैं लोग कुछ लिख नहीं सकते और फिर वो कह रहा है कि ये लोग एक साल में सिर्फ आठ लाइन लिख सकते हैं फ्रॉम हार्ड बाउंड ब्रेन्स कि इनका जो तो दिमाग है इतना ही है कि ही कैन ओनली राइट एट लाइन्स अ ईयर He ही हुटिल वॉन्टिंग दो ही लिवस ऑन तेफ्ट स्टील्स मच स्पेंटिल येट हैज नथिंग लेफ्ट अब वो कह रहा है कि ये लोग जो लिखते भी हैं ये चुरा चुरा के यहाँ वहाँ से लिखते हैं तो ये क्या करते हैं दे स्टील मच वो बहुत ज़्यादा चुराते हैं स्पेंड लिटिल खर्चा तो बहुत कम करते हैं लेकिन फिर भी इनके पास में कुछ बचा नहीं होता है क्योंकि ये सब सिर्फ यहाँ वहाँ से चोर के ही लिख रहे होते हैं एंड ही हु नाव टू सेंस नाव नॉन सेंस लीनिंग मीन्स नॉट बट ब्लैंडर्स राउंड अबाउट मीनिंग और फिर वो उसकी बात करें उन लोगों की जो लोग नॉन सेंस चीज़ें लिख रहे हैं लिख तो रहे हैं लेकिन नॉन सेंस चीज़ें लिख रहे हैं बट ब्लैंडर्स राउंड अबाउट ए मीनिंग ब्लैंडर यानी वो गलती जो सुधारी नहीं जा सकती गलती यानी मिस्टेक लेकिन ब्लैंडर यानी बहुत ज़्यादा बड़ी कुछ गलती जो कि आप सुधार नहीं सकते जिसको एंड ही हुन सो सबली मिली बैड इट्स नॉट पोएट्री बट प्रोज रेड मैड फिर वो किसकी बात कर रहे हैं फ्यूस्टियन की ये असल में एक कपड़े कपड़ा आप मान लीजिए एक तरीके का कपड़ा है लेकिन वो कह रहा है कि ये इतना गंदा लिखते हैं कि वो पोएट्री नहीं है बट प्रोज प्रोज यानी जो हम पैराग्राफ लिखते हैं वो जो पागल हो गया है तो पोएट्री और प्रोज में ये डिफरेंस है कि पोएट्री में एक लय होती है तो वो कह रहा है कि ये पोएट्री तो है ही नहीं ऐसा जैसे पैराग्राफ कोई पागल हो चुका हो वैसा ही उन्होंने कुछ लिखा हुआ है ऑल दीज माई मॉडस्ट सटायर बैड ट्रांसलेट एंड ओन द नाइन सच पोएट्स मेड अ टेट तो वो कह रहा है कि ये सब जो है इससे तो मेरे जो सटायर हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं और जब ऐसे नौ पोइट मिलते हैं तो वो सब मिलके एक टेट बनता है तो टेट जो है वो भी एक पोइट है एक प्लेराइट था जिसने कि जिसने कि पोप के ऊपर अटैक किया हुआ था तो कह रहा है कि जब ऐसे घटिया जैसे उसने अभी तक बताया कि ऐसे इसी तरीके की पोइट्स जो इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिखते हैं वो कह रहा है कि जब ऐसे नौ घटिया पोइट मिलते हैं तब तो जाके एक टेट बनता है हाउ डिड द फ्यूम एंड स्टैम्प एंड रंड शेफ एंड स्वेयर नॉट एडिसन हिमसेल्फ वॉज सेफ अब वो कह रहा है कि ऐसे घटिया पोइट्स को जगह किसने दी इन लोगों को लिखने किसने दिया अब उसके बाद इधर जो एडिसन की उन्होंने बात की है एडिसन पहले पोप के ही दोस्त थे ये लोग uh, लिटरेरी फ्रेंड्स थे लेकिन उसके बाद में जो है इन लोगों का झगड़ा हो गया बट सिर्फ लिटरेरी चीज़ों पर ही नहीं हुआ बट ऑल्सो पॉलिटिक्स और सब कुछ इन सब चीज़ों पर भी उनका झगड़ा हो गया अब जो हम नेक्स्ट आंसर जो पूरा पढ़ेंगे वो उन्होंने एडिसन के ऊपर ही अटैक किया हुआ है तो वो पूरा जो चाहता था उन्हीं को एक तरीके से डेडिकेटेड है पीस टू ऑल सच बट वेयर देयर वन हु फायर्स ट्रू जीनियस किंडल्स एंड द फेयर फेम इंस्पायर्स अब वो कह रहा है पीस टू ऑल सच कि मैं इन लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ इन सबसे मैं शांति ही चाहता हूँ ब्लेस्ड विद ईच टैलेंट एंड ईच आर्ट टू प्लीज एंड बॉन्ड टू राइट कन्वर्स एंड लिव विथ ईज तो इन लोगों को जो भी टैलेंट दिया है जो भी आर्ट है इन लोग करते रहें इन लोगों को लिखना है लिखे बात करें जैसे भी इनको जीना है वैसे जिए शुड सच ए मैन टू फॉन टू रूल अलोन लोन आर लाइक द टर्क नो ब्रदर नियर थ्रोन अब वो यहाँ पे एडिसन को बोल रहे हैं कि ये ऐसा इंसान है जिसे कि रूल करने में बहुत मज़ा आता है टू फॉर्न टू रूल की उसे लोगों के ऊपर अपनी अपनी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये किसी भी अपने भाई को अपने थ्रोन के अपने ताज के आसपास नहीं आने या देगा यानी वो सारा राज खुद करना चाहता है यू हिम विथ स्कॉनफुल येट विथ जेलस आइस एंड हेट फॉर आर्ट्स दस कॉस्ट हिम सेल्फ टू राइज अब ये जो ऐसा पोएट है कि अगर कोई और अच्छा लिखेगा तो उसकी आंखों में जलन भरने लगेगी क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ वही ऊपर उठे और कोई ऊपर नहीं उठे डैम विथ फेंट प्रेस असेंट विथ सिविलर एंड विदाउट स्नरिंग टीच द रेस्ट टू स्नर वो कह रहे हैं कि इन लोग को फेंट पेस यानी छोड़ी ऐसी मतलब छोटी छोटी दिखावे की तारीफ करना है और सिविल लीर लियर यानी किसी को घूरना गंदे तरीके से घूरना तो छोटी छोटी तारीफ करेंगे और दिखावे के लिए तारीफ़ करेंगे और उसे गरीब तरीके से घूरेंगे एंड विदाउट स्नरिंग टीच द रेस्ट टू स्नर यानी खुद दो तो स्नर यानी एक जो मॉकििंगली हम स्मैल ही देते किसी को कि हाँ वैसा वाला स्माइल देना तो वो खुद तो स्नर नहीं करेगा लेकिन दूसरों को वो स्नीर करना सिखाएगा विलिंग टू वाउंड एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक जस्ट हिंट अ फॉल्ट एंड hesitate डिसलाइक अब ये देखिए काफ़ी डीप चीज़ उन्होंने बोल दी कि ये जो पोइट है ये चाहता है सामने वाले को जख्मी करना विलिंग टू वाउंड वो चाहता है लेकिन वो स्ट्राइक करने में यानी हमला करने से डरता है और इसीलिए जो है मैं उसे पसंद नहीं करता अ लाइक रिजर्व टू ब्लेम और टू अटिमरस फो एंड अ सस्पीशियस फ्रेंड तो वो कह रहा है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसे ब्लेम करूँ या मैं इसकी तारीफ करूँ क्या करूँ क्योंकि ये दुश्मन भी अच्छा नहीं है ये बहुत अजीब मतलब दुश्मन भी ऐसा शायद दुश्मन है जो कि हमला भी नहीं कर सकता और दोस्त मतलब दुश्मन तो ये ऐसा ही है और दोस्त भी ऐसा सस्पीशियस है कि इसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता इस तरीके का ये दोस्त है ड्रेडिंग इवन फूल्स बाय फ्लैटर्स डिसीज एंड सो ऑब्लाइजिंग दैट ही नेवर ऑब्लाइज और इसीलिए जो है कि ऐसे जो लोग हैं इनको इनसे तो ना मैं दोस्ती रख सकता हूँ ना मैं दुश्मनी रख सकता हूँ लाइक काटो गिव हिज लिटिल सीन एट लॉस एंड सट अटेम्प्टिव टू हिज ओन अप लॉस अब काटो जो है एडिसन ने एक प्ले लिखा था काटो और ये उस वक्त लिखा था जब पोप और एडिसन फ्रेंच थे तो पोप ने उसका प्रोलॉग लिखा हुआ था अपने दोस्त के लिए तो उन्होंने काटो का रेफरेंस दिया है कि हाँ वो खुद ही अपने प्ले की तारीफ के लिए वहाँ बैठा हुआ था while wits and टेम्पलर्स every sentence रेस and wonder with a foolish face of praise अब टेम्पलर्स जो है वो वो लॉ के स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो कि टेम्पल्स में बैठ के पढ़ाई किया करते थे तो वो कह रहा है कि हर जो स्टूडेंट है उसका सेंटेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो भी सोच रहा होगा कि अब मैं इसकी क्या फुलिश फेस ऑफ़ प्रे यानी क्या बुरी तारीफ करूँ मैं इसकी हु मस्ट लाफ इफ़ सच अ मैन देयर बी हु वुड नॉट वीप इफ एटिकसवेयर ही वो कह रहा है कि वो क्या कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता हु बट मसला उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे हंसना ही पड़ेगा अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे हंसना ही पड़ेगा वो रो भी तो नहीं सकता है वो क्या ही करेगा वॉट दाओ माई नेम स्टूड रूब्रिक ऑन द वॉल्स और प्लेस्ट पोस्ट विद क्लाब्स इन कैपिटल्स तो अब वो कह रहा है कि जो मेरा नाम है तुम उसे दीवारों पे लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है रूब्रिक का मतलब होता है रेड कलर का और प्लास्टर पोस्ट विद क्लाब्स इन कैपिटल तो जो किताबों पे बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग से नाम लिखे जाते थे उसकी बात चल रही है और प्लास्टर का मीनिंग होता है जिसे हम लोग जो प्लास्टर हम अभी भी करते हैं दीवारों पे प्लास्टर ऑफ पैरिस वगैरह जो नहीं हम लगाते हैं उस तरीके का आप समझ लीजिए कि मिक्सचर है रेत पानी और लाइम का और उसे हम दीवारों पर लगाते हैं ताकि सरफेस जो अच्छे दिखे अच्छे से उस पर कलर हो जाए तो वो कह रहा है कि वैसा भी कुछ तुम्हें मेरे नाम का करने की ज़रूरत नहीं है और स्मोकिंग फोर्थ हंड्रेड हॉकर्स रो लोड ऑन विंग्स ऑफ विन्स केम फ्लाइंग ऑल अब्रॉड वो कह रहा है कि जो हॉकर uh, यानी जैसे आपने देखा है हम लोग बस या ट्रेन से कभी ट्रैवल करते हैं तो जो लोग आके चने या कुछ भी सामान बेचने आते हैं बुक्स मैगजीन जो चिला चिला के उनकी प्रॉपर दुकान नहीं होती वो बेचने के लिए सड़क पर आते हैं तो वो कह रहा है कि वैसे जो लोग हैं वो लोग बेचने के लिए आ रहे हैं और ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ऑफ़ ऑन विंग्स ऑफ विंस काम फ्लाइंग ऑल अब्रॉड जैसे कि हवा पे हवा के पंखों पर बैठ के ये लोग इधर आए हैं I sought no homage from the race that राइट I kept like Asian monarch from their साइट मुझे इन लोगों से कोई होमेज नहीं चाहिए मुझे इन लोगों से कुछ ऑनर नहीं चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ इसके लिए लोग मुझे कुछ तारीफ करें ऐसा कुछ Poems I आई now be बिरइम so long. No more than thou, great George, a birthday song. अब जो जॉर्ज करके एक, एक राइटर थे ये क्या करते थे किसी भी राजा वाजा का बर्थडे आता था तो उनके लिए ना बर्थडे सॉन्ग्स लिखा करते थे क्योंकि इन पोएस को पेट्रंस चाहिए थे राइट तो ये किसी को भी बड़े इंसान को खुश करने के लिए उनके लिए गाने लिखा करते थे तो कह रहा है कि मुझे ऐसे लोगों के लिए बर्थडे सॉन्ग्स वगैरह नहीं लिखने और उन राजा लोगों को मतलब भी नहीं है कि हम उनके लिए कुछ लिख रहे हैं क्या तो वो उस जॉर्ज राइटर की बात कर रहे हैं कि ये ऐसे छोटे मोटे काम मैं नहीं करता आई नेवर विथ विच्स और विटलिंग पास्ट माई डेज टू स्प्रेड अबाउट इच ऑफ वर्स एंड पेस मैंने कभी भी विट्स यानी झूठी बुद्धिमत्ता की बातें नहीं की दिखावे के लिए कि मैं बहुत होशियार हूँ मुझमें बहुत समझ है ऐसी मैंने हरकतें कभी नहीं की है कि लोग मेरी तारीफ करें इसलिए मैं झूठी झूठी दिखावा करूँ कि मैं बहुत समझदार या होशियार हूँ नॉट लाइक अ पपी डैगर थ्रू द टाउन टू फैच एंड कैरी एंड सिंग सॉन्ग अप एंड डाउन और ना ही मैं किसी पपी यानी कुत्ते के बच्चे की तरह मैं पूरे गांव भर शहर भर में ऐसे घुमाया हूँ डागल डैनी जैसे जब कुत्ते के बच्चे नहीं होते जो वो मिट्टी विट्टी में घूम फिर क्या जाते हैं गंदे हो जाते हैं तो मैं उनकी तरह ऐसा पूरे शहर भर में नहीं घुमा हूँ कि मैं गाने गाऊँ और लोगों को बताऊँ कि देखो मैं इतनी अच्छी पोइट्री लिख सकता हूँ nor at रिहर्सलवेट एंड माउथेड एंड क्राइड विथ with handkerchief एंड ऑरेंज एट my साइड ना ही है कि मैं कभी रिहर्सल्स वगैरह पे ऐसे गया हूँ कि पसीने से भरा हुआ और ना ही मैंने कभी वहाँ जाके कुछ तमाशा किया है विथ हैंकर चीफ एंड ऑरेंज एट माई साइड हैंकर चीफ एंड रुमाल और ऑरेंज और उस वक्त में आ, अपने आस लाइक बॉडी ऑर्डर या कुछ भी ऑर्डर है आपके वहाँ पर कुछ गंदी स्मेल आ रही तो ऑरेंज अगर आप रखेंगे तो खुशबू अच्छी हो जाएगी तो मैं वहाँ पे भी नहीं गया हूँ वैसे कि रुमाल और अपना ऑरेंज लेके मैं वहाँ ऐसी किसी रिहर्सल में नहीं बैठा हूँ बट सिक ऑफ पॉप्स एंड पोएट्री एंड प्रेट टू बूफो लेफ्ट द होल कैस्टालन स्टेट बूफो अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि वो पेटर्न जो कि किसी को पैसे दे रहा है किसी पोएट को किसी घटिया पोएट को पैसे दे रहा है लेकिन इस आदमी को इस पेटर्न को कुछ भी पता नहीं है कि आर्ट क्या है लिटरेचर क्या है पोइट्री क्या है उसे कुछ नहीं पता है वो बस ऐसे उसके पास पैसे हैं और कोई उसकी तारीफ़ में पोइट्री लिख रहा है तो वो उसे पैसे दे रहा है करें कि ऐसे जो बूफो है उन लोगों को भी मैं छोड़ता हूं मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है प्राउड एज अपोलो ऑन हिज फोक्ट हिल सैट फुल ब्लोन बूफो पफ्ड बाई एवरी क्विल वो कह रहे हैं कि अपोलो को जितना गर्व हुआ था अपने आप पे वैसे ही ये जो बूफो हैं ये लोग भी गर्व से फूल जाते हैं बाय एवरी क्विल कि जब इनकी तारीफ़ में झूठी तारीफ़ में वो जो घटिया पोइट से कुछ भी झूठी झूठी सी चीज़ लिख देते हैं ये जो बूफो है ये लोग भी वैसे ही फूल जाते हैं प्राइड से अपने घमंड से कि वाओ मैं इतना अच्छा हूँ फेड विद सॉफ्ट डेडिकेशन ऑल डे लॉन्ग हो रेस एंड वेंट इन हैंड इन सॉन्ग और फिर ऐसा है कि डेडिकेशन लाइक हम किसी को कोई पोएट्री डेडिकेट करते हैं तो ऐसी वो झूठी डेडिकेशन उनको दी जाती है और ये लोग इतने खुश हो जाते हैं ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं आई होप आपको अभी तक पोइम समझ में आ रही होगी और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा हो सके